नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज है फ्राइडे, आज आपको वीडियो मिलेगी आपके सवालों के जवाब की। तो आपके सवाल काफ़ी सारे हैं, पिछली बार भी काफ़ी थे, पार्ट टू नहीं बना पाई। तो लेकिन इस बार जो आपके सवाल हैं वो काफ़ी हैं, तो वीडियो आपको दो ही मिलेंगी। तो अगर पहले वाले यानी कि पार्ट वन में अगर आपको आपके सवाल का जवाब ना मिले तो पार्ट टू में आप जरूर देख लेना। तो चलिए, सवाल ज़्यादा होने करके ज़्यादा से मैंने गवाते हुए शुरू कर लेते हैं वीडियो और पहला सवाल ले लेते हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो पहला सवाल है किशोरी गौतम का, उन्होंने वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए पूछा है कि ये बताओ अगर मनोकामना पूरी नहीं हुई हो तो क्या व्रत आगे बढ़ाएं? तो व्रत आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो मान लो आपने 11 व्रत बोले हैं तो 11 व्रत बोलकर आप व्रत को छोड़ दें, फिर दोबारा से एक दो बार व्रत, जैसे फ्राइडे आता है उसमें व्रत ना करें आप, फिर नए सिरे से दोबारा से व्रत को शुरू करें। फिर सवाल है रीता जांगरा का कि वीरवार के व्रत कैसे करें, प्लीज बताएं मुझे रखने हैं। तो जी, वीरवार के व्रत कैसे किए जाते हैं उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर सवाल है साजन बढ़ाना का कि इस बार अन्नपूर्णा जयंती कब है? तो इस बार जो अन्नपूर्णा जयंती है वो 30 तारीख की है, तो आपको उससे पहले जो वीडियो है वो मिल जाएगी। फिर सवाल है राघवेंद्र का कि क्या आप लड्डू गोपाल जी को स्वेटर पहनाना शुरू किए हैं, प्लीज़ आंसर दो। तो जी बिल्कुल, ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई है, दिल्ली में वैसे भी बहुत ठंड पड़ रही है, तो ठाकुर जी को स्वेटर पहनानी शुरू कर दी है। अगर आपके यहाँ भी ठंड पड़नी शुरू हो गई है तो आप भी ठाकुर जी को स्वेटर पहनाना शुरू कर दें। फिर सवाल है सुरेश गर्ग का कि वैसे तो माँ लक्ष्मी का व्रत की पूजा शाम को होती है, तो सुबह से शाम तक मतलब पूजा से पहले चाय पानी ले सकते हैं? तो जी बिल्कुल, शाम को पूजा की जाती है, उससे पहले आप दूध चाय पानी पी सकते हैं। फिर सवाल है पूजा वैदिका, क्या ठंड में कान्हा जी को चाय पिला सकते हैं? वैसे तो यही बोला जाता है कि भगवान को चाय का जो भोग है वो नहीं लगाया जाता। तो पहले तो आपको लगे कि आपने चाय बनाई, ठाकुर जी को चाय का भोग नहीं लगाया, ठंड बहुत है, और लगाने के बाद आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि चाय का भोग तो ठाकुर जी को लगाते नहीं है, मुझे लगाना नहीं चाहिए था। तो टोटली चीज़ें आपके भावों पर डिपेंड करती हैं। तो जैसे ठाकुर जी को प्याज लहसुन का भोग तो नहीं लगाया जाता, नॉनवेज का भोग भी नहीं लगाया जाता, और हमें अंदर से लगता भी नहीं है कि हमने ठाकुर जी को प्याज लहसुन का भोग क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें पता है कि ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया जाता। तो चाय का है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके भावों पर डिपेंड करता है कि आपने भोग लगाना है या नहीं लगाना। वैसे बोला यही जाता है कि भगवान को चाय का भोग नहीं लगाना चाहिए। फिर सवाल है समीर शर्मा का कि क्या आप गोपाल जी को दिन में सुलाती हैं? तो जी बिल्कुल, ठाकुर जी को मैं दिन में थोड़ी देर के लिए जरूर सुलाती हूँ। गर्मियाँ होती हैं तो टाइमिंग तो वही रहती है कि 12-1 बजे सुलाने की, और शाम को 4:30 और 5 बजे के करीब उठा देती हूँ। सर्दियों में थोड़ा ये होता है कि सुला तो 12:30-1 ही देती हूँ, लेकिन 3:30-4 बजे के करीब उठा देती हूँ। फिर सवाल है दिव्या डेजलिंग का, उन्होंने प्रदोष व्रत के बारे में पूछा है कि मैम सेंधा नमक खा सकते हैं? तो देखिए, प्रदोष के व्रत अगर आप मीठे कर रहे हैं यानी कि आपको नमक नहीं खाना, तो आपको मीठा ही खाना है, और अगर आप नमक वाला भोजन कर रहे हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको सेंधा नमक खाना है, आप जो नॉर्मल नमक है वो भी खा सकते हैं। फिर सवाल है ममता अग्रवाल का कि हमारे घर भी राधा कृष्ण आए हैं पर इनका श्रृंगार समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप इनके लिए मेरी हेल्प करें। तो जी, जो श्रृंगार है वो सामान आप लेकर आए ही होंगे, जो पोशाक पहनाई जाती है वो भी आपको पता है कैसे पहनाई जाती है। तो बाकी श्रृंगार जैसे जैसे आप राधा रानी और ठाकुर जी का श्रृंगार करने लगेंगे तो आपको खुद को ही नहीं पता चलेगा कि आपने इनका श्रृंगार कर कैसे दिया। तो जी, जल्दी ही मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी कि जिसमें मैं ठाकुर जी का श्रृंगार करते हुए दिखाऊंगी, तो आपको थोड़ा बहुत पता चल ही जाएगा कि श्रृंगार कैसे किया जाता है। लेकिन श्रृंगार होता तो वैसे ही है जैसे ठाकुर जी की इच्छा होती है। फिर सवाल है कविता कौशिक का
क्या आप रोज राधा कृष्ण जी की पोशाक चेंज करते हो? तो जी नहीं, मैं राधा कृष्ण जी की पोशाक रोजाना चेंज नहीं करती हूँ। मैं उनकी 10 से 15 दिन में एक बार पोशाक चेंज करती हूँ। फिर सवाल है गौरी श्री का कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करी हूँ, प्लीज़ एक वीडियो बनाएं जिसमें कंठी पहनने के नियम विधि और श्री कृष्ण भक्त को तिलक लगाते हैं उसके बारे में बताएं। मुझे कन्फ्यूजन है कि वैसे वाला तिलक या टीका लगाने के बाद बिंदी कैसे यूज़ करूँगी, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी मेरी मैरिज नहीं हुई है और किसी फंक्शन में मैरिज में के टाइम पे जाना पड़ा तो मुझे बिंदी लगाना पड़ेगा। तो जी इस पर मैं जल्दी ही एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें कंठी पहनने के नियम विधि और जो तिलक लगाया जाता है उसके बारे में बताऊंगी कि तिलक हमें क्यों लगाना चाहिए और तिलक लगाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, यानी कि क्या क्या लाभ होते हैं। बाकी रही बात कि तिलक लगाने के बाद बिंदी कैसे यूज़ करूंगी, तो जी तिलक आप लगाएंगे तो जैसे जो तिलक मैंने माथे पे लगाया है, मैंने यहाँ से शुरू किया, तो थोड़ा सा ऊपर से आप जो तिलक है लगाना शुरू करेंगे, उसके बाद आप यहाँ बिंदी भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तिलक लगाने के बाद बिंदी नहीं लगाई जाएगी, बड़े आराम से जो बिंदी है वो लगाई जाएगी। फिर सवाल है अमिता खुरानिया का कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आपकी जो भी बात बताते हैं मेरी दादी की याद आ जाती है, आपके राधा कृष्ण को देख के दिल को सुकून मिलता है, फ्री टाइम में आपके राधा कृष्ण की वीडियो तो देखती रहती हूँ, आपकी लड्डू गोपाल जी की सेवा देख कर भी मेरे घर में लड्डू गोपाल जी लाई हूँ, मैं पूरे मन से उनकी सेवा करती हूँ, लेकिन मेरे घर में एक ही बात बोलते हैं कि क्या पता घर में शुभ नहीं हो इनको लाना, मुझे ये सुन के बहुत बुरा लगता है, आप बताएं मैं क्या करूं। और जहां तक मैं सोचती हूँ भगवान शुभ शुभ जैसी बातों पर से परे हैं, वो तो पालनहार अपने सब कुछ हैं उनकी। तो जी आपने बिल्कुल सही कहा कि भगवान कभी किसी के लिए अशुभ नहीं होते हैं, वो हमेशा शुभ ही शुभ करते हैं अपने भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो ये तो कहने वाली बात नहीं है कि इनके आना क्या पता हमारे घर में शुभ ना हो, लेकिन हमेशा शुभ ही होता है। आप कभी भी देख लेना कि जब से आपके ठाकुर जी घर में आए हैं आपके घर में अच्छा अच्छा ही हुआ है, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी ही आई होगी और आपको हमेशा अपने ही घर में जैसा पहले फील होता था उससे ज़्यादा अच्छा फील होता है और आप हमेशा खुश रहते होंगे। तो जो भगवान है वो बिल्कुल इन चीज़ों से परे हैं, अशुभ और शुभ से परे हैं। तो ये हमारी अपनी सोच होती है, हम अपनी धारणा बना लेते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए शुभ है, ये चीज़ हमारे लिए अशुभ है। तो वैसे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बुरी ही बुरी होती हैं, लेकिन हम उनका त्याग कभी भी नहीं करते हैं। तो हमेशा बुरी चीज़ों का त्याग करें, अच्छी चीज़ों को अपने अंदर समेटें, अपने अंदर ग्रहण करें और दिमाग से ये निकाल दें कि कोई चीज़ अशुभ होती है या शुभ होती है, क्योंकि परमात्मा हमें जो देता है, जो हमारे लिए करते हैं, वो हमेशा शुभ के लिए ही करते हैं। और आप कह रहे हो कि आपके घर में ठाकुर जी आए, तो वो शुभ के लिए ही आए हैं। फिर सवाल है अंकिता सैनी का कि आप तुलसी के पानी का क्या करते हो? तो आपने पूछा है कि मंदिर में जो तुलसी का पानी भगवान के लिए रखा जाता है उसका क्या करते हो? तो जो मंदिर में पानी तुलसी वाला रखा जाता है उसे प्रसाद के रूप में पी लिया जाता है, उसको हम घर में पी लेते हैं। फिर सवाल है ए के गेमिंग का कि आप कान्हा जी की सेवा करती हैं और प्यास डालती हैं। तो देखिए जी, कान्हा जी ने की सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि मैं प्याज और लहसुन सब्जियों में भी नहीं डालूंगी। हाँ, उनके लिए जो भोग बनता है उनके लिए प्याज लहसुन नहीं डाला जाता है। और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा चैनल रेसिपीज़ का भी है, तो मुझे रेसिपी भी बनानी पड़ती है। तो प्याज लहसुन के लिए तो प्याज लहसुन डालकर रेसिपी जो बनाई जाती है वो मैं बनाती भी हूँ, और सेम वही रेसिपी मैं बिना प्याज लहसुन के भी बताती हूँ। घर में ठाकुर जी के भोग लगता है, बिना प्याज लहसुन के लगता है, और हमारे घर में प्याज लहसुन लिमिटेड सी सब्जियों में डाला जाता है। कोई कोई सब्जी है जिसमें प्याज लहसुन डाला जाता है, वरना हमारे घर में किसी भी सब्जी में प्याज और लहसुन नहीं डाला जाता। और कान्हा की ये कोई बात नहीं है कि आप कान्हा जी की सेवा करती हैं और प्याज लहसुन डालती हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो प्याज लहसुन खाने वाले हैं उन्हें भगवान की सेवा करने का, भगवान की पूजा करने का कोई हक नहीं है।
तो एक इंसान है, मान लो वो बहुत ही गंदा है, उसका स्वभाव बहुत गलत है, वो बुरा है, लेकिन प्याज लहसुन नहीं खाता है, तो क्या भगवान उसकी जो पूजा है सेवा स्वीकार कर लेंगे? और उसके मन में दया भाव भी नहीं है, किसी के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि प्याज लहसुन नहीं खाता, इसीलिए भगवान उसकी पूजा अर्चना सेवा स्वीकार कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, आपके अंदर दया भाव होना चाहिए, सबका सम्मान करना आना चाहिए, आपके विचारों का सात्विक होना जरूरी है, वो भगवान जो आपकी सेवा है वो स्वीकार करेंगे। तो बाकी मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ठाकुर जी को प्याज लहसुन का भोग लगाती हूँ, तो उनके प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाया जाता है। फिर सवाल है आरजे कुमार का कि वैभव लक्ष्मी पूजा कब से स्टार्ट करें और कौन से महीने से, और डेट प्लीज बता दें। तो जो वैभव लक्ष्मी व्रत है आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष की जो पहला फ्राइडे आता है उस दिन से व्रत शुरू कर देना चाहिए। तो मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। तो मान लो आपको मौका मिला कि कृष्ण पक्ष में आपको व्रत शुरू करना है, तो मेरे हिसाब से, मेरे नज़रिए से आप व्रत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जब शुक्ल पक्ष का फ्राइडे आए, आपके कोई अड़चन आ जाए, आप व्रत शुरू ना ही कर पाए, तो बेहतर यही होगा जब मौका मिले अच्छे काम करने का वो काम कर देना चाहिए। फिर सवाल है श्यामा प्यारी का कि मेरे घर भी युगल जोड़ी आई है, क्या युगल जोड़ी की सेवा भी लड्डू गोपाल जी जैसे करनी है और उन्हें भी डेली स्नान करवाना है? तो जी, अगर आपके घर मार्बल की मूर्ति आई है तो उन्हें डेली स्नान नहीं करवाया जाता, और अगर आपने जो पीतल का विग्रह लिया है और विग्रह छोटा है, अगर आप उनको डेली स्नान करवा सकते हैं तो आप उन्हें डेली स्नान करवाएं। गोपाल जी को तो डेली स्नान करवाया ही जाता है, और अगर आप डेली स्नान नहीं भी करवा सकते तो आप हफ्ते 10 दिन में एक बार स्नान करवा दें, वो भी पीतल के विग्रह को, और जो मार्बल की मूर्ति होती है उन्हें स्नान नहीं करवाया जाता, उन्हें सिर्फ पंचामृत से या गंगा जल के या यमुना का जो जल होता है उससे छींटे मारे जाते हैं, और बाकी जो सेवा की जाती है जैसे गोपाल जी की सेवा करते हो वैसे ही करनी है। फिर सवाल है ऋतु चक्रवर्ती का कि कलश और बाकी सामान कब हटाना है, और गणेश लक्ष्मी की भी फोटो रख सकते हैं? तो ये आपने वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में पूछा है, तो जी वैभव लक्ष्मी में आप गणेश लक्ष्मी जी की फोटो रख सकते हैं, और जो कलश और बाकी सामान कब हटाना है, यानी कि चौकी पर से जो सामान है आपको कब हटाना है, तो पूजा करने के 1-1.5 घंटे के बाद आप वो सारा सामान जो है वो हटा दें। फिर सवाल है नेहा पीसल का कि मुझे बताए तुलसी माला किसी गुरुजी से ही पहननी चाहिए, पहननी जाती है, या हम खुद पहन सकते हैं? तो जी, अगर आपने दीक्षा लेनी है तो आपको अपने गुरु से ही माला लेकर पहननी होगी। अगर आपने दीक्षा नहीं लेनी है, यानी कि कोई नाम नहीं लेना है, तो आप अपने आप से भी तुलसी माला लेकर पहन सकते हैं। फिर सवाल है प्रियंका सोनी का कि तुलसी की माला कब पहननी चाहिए, किस वार को पहननी चाहिए? तो आप एकादशी को तुलसी माला पहन सकते हैं, आप बृहस्पतिवार के दिन भी तुलसी माला पहन सकते हैं। तो ऐसा नहीं देखा जाता कि अच्छी चीज़ों के लिए कि क्या वार अच्छा है क्या वार नहीं अच्छा, जब अच्छे काम होते हैं तो वो अपने आप में वो दिन भी अच्छा हो जाता है और वो वार भी अच्छा हो जाता है, तो आप जो तुलसी माला है वो कभी भी पहन सकते हैं। फिर सवाल है जया दाबी का कि कौन से वार को कौन से रंग की पोशाक पहनाई जाती है, प्लीज़ आंसर दें। तो देखिए, मैं काफ़ी बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि किस वार को कौन से रंग की पोशाक पहनानी चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि सबके पास सभी कलर की पोशाक होती है, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर आपके पास पोशाक ज़्यादा है, हर कलर की पोशाक है, तो बार बार एक पोशाक रिपीट ना करके अगर हम वार के हिसाब से पोशाक पहना देते हैं तो जो सारी पोशाक है उनकी बारी आ जाती है। तो संडे के दिन पहनाई जाती है रेड कलर की पोशाक, जैसे कि संडे जो सन का कलर होता है वो रेड होता है, संडे को रेड, मंडे जो दिन होता है वो चंद्रमा का होता है और उस दिन आप सफ़ेद पोशाक पहनाएं, मंगलवार को हनुमान जी का वार होता है आप ऑरेंज या रेड कलर पहना सकते हैं, बुधवार को गणपति जी का भी वार होता है आप हरे रंग की पोशाक पहना सकते हैं, वीरवार यानी कि बृहस्पतिवार को आप पीले रंग की पोशाक पहनाएं,
शुक्रवार को आप या तो सिल्वर कलर की पोशाक पहना दें या पिंक कलर की पोशाक ठाकुर जी को पहनाएं, तो शनिवार को आप डार्क ग्रीन कलर की पहना सकते हैं या आप ब्लैक कलर की पोशाक भी ठाकुर जी को पहना सकते हैं, ग्रे कलर की भी पहना सकते हैं। तो ये सातों वार की जो पोशाक है मैंने आपको बता दी। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। तो कोशिश मैंने पूरी की कि सभी के सवालों के जवाब दे दूँ, तो लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों के जो सवाल हैं वो रह गए हैं, उनके जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट टू में दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये सवाल जवाब की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।